दोस्तों हमारे देश में क्रिकेटर्स तो बहुत हुए, बहुत से लेजेंड क्रिकेटर्स जिन्हें सालों साल याद किया जाता है, लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि महेंद्र सिंह धोनी, जी हाँ, हमारे धोनी का, हमारे माही का ऐसा क्या ऑरा है, ऐसा क्या जलवा है इस आदमी का कि जब भी ये कुछ करते हैं या नहीं करते हैं तो भी खबर बन जाती है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अच्छा खासा वीवीआईपी का रीला लगा। आज अयोध्या में यह हालत हो गई है दोस्तों कि आम लोगों के लिए अयोध्या की जो सीमाएं हैं वो कुछ देर के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है। आज इतनी ज्यादा भीड़ है राम मंदिर में कि मतलब प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया है संभालना। लेकिन कल वीवीआईपी का रीला लगा हुआ था, सारे वीवीआईपी मौजूद थे, सबको आराम से दर्शन हुए, और सचिन तेंदुलकर, जी हाँ, सचिन तेंदुलकर भी इन वीवीआईपी में मौजूद थे। हाल के सालों में सचिन तेंदुलकर ने देश के किसी भी मुद्दे पर बोला हो मुझे याद नहीं होता। हाँ, पीएम मोदी लक्षद्वीप जाते हैं तो उन तस्वीरों के जरिए वो अपनी लक्षद्वीप की तस्वीरें भी शेयर करते हैं, यानी बिना कुछ कहे सचिन तेंदुलकर ने हाल के सालों में किस तरह से मौजूदा सरकार से करीबियां बढ़ाई हैं, इसके बारे में मुझे अब बताने की कुछ जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी तो महेंद्र सिंह धोनी है दोस्तों। इस खबर के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी भी उन कुछ वीवीआईपी में थे जिन्हें अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला था। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अयोध्या में कल पहुंचना, प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां पर मौजूदगी दर्ज कराने को लेकर होड़ मची हुई थी। वीवीआईपी के बीच इस बात को लेकर बहस हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि भाई कौन कौन पहुंच रहा है, क्योंकि जो देश का बड़ा आदमी है और वो वहां नहीं पहुंचा तो समझ लो वो बड़ा आदमी नहीं। धोनी को न्योता दिया गया था लेकिन धोनी यहाँ गैर मौजूद रहे। हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी को कोई काम रहा हो, कुछ अर्जेंट पहले से ही कमिटमेंट रहा हो, इसीलिए वो शायद ना आ पाए हो। लेकिन बड़ी बात ये दोस्तों कि ये एक ऐसा इवेंट था जिसके लिए तो बड़े बड़े लोग अपने बड़े बड़े इवेंट्स, अपने बड़े बड़े प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी सब तो यहाँ पहुंचे हुए थे लेकिन महेंद्र सिंह धोनी यहाँ नहीं पहुंचे थे। हालांकि सचिन की मौजूदगी यहाँ पर थी, वो टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज भी दे रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पर ना आकर आखिर क्या संदेश दिया, इसकी चर्चा सोशल मीडिया में लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी सरकार को खुश करने के लिए लक्षद्वीप की कोई तस्वीर शेयर नहीं की। इसके अलावा हाल के सालों में जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े खिलाड़ियों ने सरकार को खुश करने के लिए कई ऐसे ट्वीट किए जिनको देखकर शक होता है, महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा भी कभी नहीं किया। और कल प्राण प्रतिष्ठा में उनकी गैर मौजूदगी, न्योता मिलने के बाद भी उनका ना आना, इस पर भी लोगों ने उनकी तारीफ की कि महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी सरकार की चापलूसी या सरकार से करीबियां बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों शायद इसीलिए आज इतने साल हो गए धोनी को संन्यास लिए, लेकिन आज भी अगर किसी को याद आते हैं तो धोनी याद आते हैं, चाहे वो कैप्टनसी को लेकर हो, चाहे वो उनके ऑरा को लेकर हो, चाहे वो उनके टेम्परमेंट को लेकर हो, या फिर चाहे देश को लेकर उनका उनकी जो सोच है उसे लेकर हो। ऐसा नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी भगवान को मानते नहीं है। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप उनके अगुवाई में टीम जीती थी तो महेंद्र सिंह धोनी ने काली माता से मन्नत मांगी थी और उसके बाद उन्होंने अपना बाल सारे शेव कर लिए थे उस मन्नत के लिए। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी अमूमन अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए भी दिखाई देते हैं। उसके बावजूद भी कल के इतने बड़े कार्यक्रम में न्योता मिलने के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी की गैर मौजूदगी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह गई। क्या आपको भी ऐसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।